देखा देखा, मैंने तुमसे कहा था ना बिंदिया वापस आएगी, देखो देखो वो आ गई है। तुम हमें लेने आई हो ना, मारना चाहती हो ना हमें? मम्मी ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं भला आपको क्यों मारूंगी, मैं तो यहाँ आपके साथ रहने आई हूँ अपने घर में। नहीं बिंदिया नहीं हो सकती, ये कोई और है। जब तुम हमें छोड़ के गई थी तब तुम 17 साल की थी, आज इतने साल के बाद भी तुम वैसे की वैसे ही, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारे पास बताओ, तुम जाओ यहाँ से, जाओ। मम्मी आप लोग मुझे भगा क्यों रहे हैं? मैं तो यहाँ आपके लिए आई हूँ। दीदी आप तो मुझे कितना चाहती थी, फिर आप मेरा चेहरा कैसे भूल गई? मुझे तुम्हारा चेहरा अच्छी तरह याद है, और तुम्हारी वो मौत भी, मैंने तुम्हें मरते हुए देखा है। अलका तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने जिंदा खड़ी है। तुम अलका ठीक कह रही है, आज अगर मेरी बिंदिया जिंदा होती तो मैं 26 साल की होती थी, और अब 9 साल बाद भी ये सिर्फ 17 साल की, कैसे? मेरा रोने को दिल कर रहा है, इतने साल बाद आई हूँ और आप लोग मेरी उम्र के बारे में बात कर रहे हैं। उस बुरी ताकत ने मेरी उम्र को बांध के रख दिया था, इसलिए मैं 17 साल की रह गई, बड़ी नहीं हो सकी। आप लोग इसकी बात क्यों नहीं मान रहे? बिंदिया तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। मैं सूरज, अलका का पति। अच्छा चलिए पापा। चलो बिंदिया। कितना चाहते थे, मुझे कितनी पसंद थी वो जगह, चलो जाते हैं। नहीं घर चलो। नहीं मुझे क्रूज पर जाना है। कहीं नहीं जाना है, चुपचाप घर चलो। ठीक है। ये क्या हो रहा है? और गाड़ी पे आउट ऑफ कंट्रोल है। ये गाड़ी यहीं आके क्यों रुक गई? मुझे तो गड़बड़ लग रही है, ये लड़की यहीं आने की जिद कर रही थी। बिंदिया, 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 दीदी चलो ना उस क्रूज पर चलते हैं। नहीं मुझे नहीं जाना। चलो ना दीदी। नहीं दीदी आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती, चलो। बिंदिया, बिंदिया। मुझे लगता है ये वही बुरी आत्मा है जो बिंदिया बन के आई है। दीदी देखो ना कितना मजा आ रहा है। सच सच बोलो तुम कौन हो? मैं बिंदिया। नहीं तुम बिंदिया नहीं हो, बिंदिया को तो पानी से डर लगता था। अब नहीं लगता, अब मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। अब लोग मुझसे डरते हैं। दीदी याद है हम पहले कितना घूमा करते थे, लेकिन मेरी मौत के बाद सब कुछ खत्म हो गया। पता है उस रात वो ताकत मुझे कहाँ लेकर गई थी? कहाँ? छोड़ो जाने दो, घर चलते हैं। वैसे भी तुम्हें मजा नहीं आ रहा है, जा रही हो तुम? नहीं,
घर नहीं जाओगी। क्यों? क्योंकि तुम मेरी बहन नहीं हो, तुम कोई और हो। तुम्हें जो समझना है समझ लो, मैं घर जाऊंगी, तुम चाहो या ना चाहो मैं घर जाऊंगी। अब तो ले चलो, ले चलो। जीजू को कुछ मत बताना, किसी को कुछ मत बताना, किसी को भी नहीं। सूरज, मुझे बहुत डर लग रहा है, बिंदिया हम सबको मार डालेगी। अलका डरो मत, कुछ नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है सूरज, वो लड़की कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो बिंदिया नहीं कोई और। कोई और? कोई और क्या? अलका, अलका तुम कुछ कह रही थी? नहीं कुछ नहीं। सच बताओ, बात क्या है? कहा ना, कुछ नहीं। सूरज, अलका बेटी चलो खाना खा लो। कैसे खा रही हो? अच्छी तरह खाओ। बिंदिया, इतने सालों से तुम कहाँ थे? वो औरत तुम्हें कहाँ ले गई थी? ये बिंदिया कहाँ जा रही है? सूरज, ये लड़की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रही है। इतने साल कहाँ थी, क्या कर रही थी, कुछ भी नहीं बता रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। पापा, कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। इस लड़की को फौरन यहाँ से निकाल दो, ये हमारी बिंदिया नहीं है। छोड़ के भागना होगा, नहीं तो कोई नहीं बचेगा।
सूरज, ये लोग इस तरह क्यों पड़े हैं? क्या हो गया इन लोगों को? लगता है ये लोग मर चुके हैं। हे भगवान, किसने मारा होगा इनको? ये कैसे आ गए यहाँ? बाहर निकलो, मैंने कहा बाहर निकलो। इस तरह क्यों भाग रहे हो आप लोग मुझसे? मुझे आप लोगों की याद आई, इसलिए मैं आपके साथ रहने आई, मगर आप लोग भूल चुके हो मुझे। हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। क्यों? क्या मेरा कोई अधिकार नहीं आप लोगों के साथ रहने का? नहीं बिंदिया, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अधिकार है, और ये अधिकार मुझे उस बुरी ताकत ने दिया है जिसके हम सब गुलाम हैं। गुलाम? उसी ने तो मुझे यहाँ भेजा है। क्यों, विश्वास नहीं होता? अगर मैं सच कह रही हूँ तो इस गाड़ी की हेडलाइट मेरा साथ देगी। उसी ने हम सब गुलामों को भेजा है अपने परिवार वालों के साथ मिलने के लिए। कुछ लोग अपने परिवार वालों को वापस लेके चले गए, लेकिन मैं तो यहाँ आपके साथ रहने आई थी, मगर आप लोग मुझसे ही दूर भाग रहे हैं। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा है, आप लोगों को मेरे साथ चलना ही होगा। नहीं नहीं नहीं, 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 तुम ऐसा नहीं कर सकती। हमारे पास मत आना, प्लीज हमें अपने साथ मत ले जाओ। बिंदिया, वो 9 साल पहले मर गई थी, उसके बाद अचानक आ गई और मेरी पत्नी और उसके परिवार वालों को लेके चली गई है। मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ। कोई नहीं बचा सकता, कोई तो रास्ता होगा। मैं कुछ भी करने को तैयार। कुछ भी करोगे तो? हाँ, तो सुनो, ठीक 12 बजे वो बुरी ताकत 12 बजे हवेली के बाहर निकलती है। तुम हवेली में घुस जाना, वहां तुम्हें सब मिल जाएंगे। लेकिन लेकिन तुम्हारे पास 3 मिनट होंगे, और 3 मिनट में तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा। सिर्फ 3 मिनट? हाँ, 3 मिनट। 3 मिनट के अंदर वो बुरी ताकत उस हवेली में आ जाएगी, और अगर तुम्हारे रहते वो वहां पर आ गई तो तुम्हारा बचना मुश्किल होगा। कहाँ है वो जगह? वो जगह ढलकिया तालाब के पीछे।
हे भगवान, कितनी भयानक जगह है। नहीं नहीं नहीं, इन सबकी गर्दन काट के यहां लटका रखी है। यहां तो सिर्फ इनके सर है। मुझे इनकी बॉडी ढूंढनी होगी और इन्हें जोड़ना होगा। सर काट के उस बुरी ताकत ने सारे शरीर यहीं डाल दिए। अर्का मम्मी पापा के भी शरीर यहीं के होंगे। ये टॉर्च भी टूट गई। कितना कम वक्त रह गया, कितनी लाशें हैं यहां, और अंधेरे में कुछ ठीक से नजर भी नहीं आ रहा है। मैं कैसे ढूंढूंगा इस लोगों को। अलका, अलका, ये तो अलका ही है, लेकिन इसका सर तो उस कमरे में है। मुझे जाके लाना होगा। लेकिन मम्मी पापा उनका क्या, और वो बुरी ताकत भी आती ही होगी। मशाल, कौन हो तुम, यहां क्यों आए हो? मुझे मेरी पत्नी और मेरे परिवार वाले चाहिए। मेरे लोग हैं और यहां से कोई वापस नहीं जाएगा। मैं अपनी पत्नी और अपने परिवार वालों को वापस ले जाके रहूंगा। मैं उन्हें वापस ले जाके रहूंगा। मैं यहां से जाऊंगा, अपने परिवार वालों को भी साथ में लेकर जाऊंगा। मैं देखता हूं तुम कैसे रोकते हो मुझे। अलका, तुम ठीक हो? तुमने हमें बचा लिया। मम्मा, हम सब बच गए। मम्मी, उस बुरी ताकत से हम सब बच गए। नहीं बेटा, बिंदिया कहाँ वापस है? अगर वो भी आती तो कितना अच्छा होता। मम्मी, thank you.
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.